हेलो गाइस, तो आज अगर मैं कासलवेनिया का रिव्यू करने पे आऊँ तो यस, आई लव दिस सीरीज एंड यस दे हैव एंडेड इन अ वेरी गुड टाइम। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, स्पेशली इसकी एंडिंग। कासलवेनिया में वो सब कुछ है जो तुम एक नॉर्मल इंसान या लड़का मांगता है, लाइक उसको क्या क्या चाहिए, वेम्पायर्स चाहिए सीरीज में, मिलेगा। साईफाई थोड़ा सा स्टफ चाहिए, मिलेगा। मॉन्स्टर्स चाहिए, एक्शंस चाहिए, सब मिलेगा, तुम बोलने वाले बनो। बट यार, बेचारे ड्रैकुला के साथ बहुत बुरा किया कासलवेनिया में। मतलब जहाँ गया, बंदे को पीटा, बंदे को पीटा, बंदे को पीटा। वो इतना पावरफुल होने के बाद भी वो हार गया। वो हारने के बाद, मरने के बाद भी बेचारे को छोड़ा नहीं। बट यार ठीक है, एक अच्छे से टाइम भी इन्होंने एंड करा है एंड आई लव इट। बहुत अच्छी थी। रेटिंग की बात करूँ तो मैं इसको आई वुड लाइक टू गिव इट 8 out of 10। डिजर्विंग है, ठीक है। ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा इससे अच्छा कुछ बनाने, इससे अच्छी बहुत सारी टीवी सीरीज है जो बनी होंगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, जब ये स्टार्ट हुआ था आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल कि मैं इसको और देखूँ और देखूँ। बट इसने अपनी वो रिस्पेक्ट मेरे आगे बनाई है कि मैं बोल पाऊँ कि हाँ, मुझे और देखना है। एंड यस, आई वुड लव टू वॉच इट मोर अगर होता तो। मैंने देखा है, मैंने पूरे अच्छे से चारों टीवी सीरीज, चारों सीजन्स देखे हैं एंड मुझे अच्छे लगे हैं, ठीक है। एंड यस, आई लव वैम्पायर्स। ओके, मतलब ड्रैकुला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था इसमें, बट यार बेचारे के साथ हुआ ही बुरा, मैं क्या करूँ। बेलमंथ जो था, दिक्कत उसकी ये थी यार, यार उसको मतलब गर्लफ्रेंड तो हॉट मिल गई थी। बट ठीक है, मुझे उससे ज़्यादा वैम्पायर अच्छा लगा था, ठीक है। ड्रैकुला मेरा सबसे फेवरेट था, बट वो जब पिटता रहा ना, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रही यार। वो सबसे तो पिटता रहा, वो जबकि इतना पावरफुल था वो फिर भी पिटता रहा। माना कि उसको सैड था, उसको मतलब डिप्रेस था एंड ऑल दैट सब, बस बच्चे से तो अपने पिट गया वो। आई नो, जान के मरा था वो, उसको समझ आ गया था कि वो गलत है, बट इस चीज़ के लिए, बीवी के लिए मर जाएगा। चलो, फर्स्ट लव एंड एनिमे कुछ भी हो सकता है। चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। बाय, सी यू।